हेलो एवरीवन, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर। इसमें हम पढ़ाएंगे सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। तो इसमें क्या होता है कि दो सेट होते हैं, सेट ए सेट बी, दो समुच्चय हैं। सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का अवयव हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट या उपसमुच्चय कहते हैं। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। यानी कि सेट ए सेट बी का सबसेट, सेट ए सेट बी का सबसेट। यानी कि जो सेट ए, हम आपको एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि ये कोई सेट ए है, इसमें एक दो तीन, और बी है एक दो तीन चार। तो जो सेट ए का प्रत्येक जो अवयव है वो सेट बी में भी है और इसमें एक फालतू है, तो ये जो इसके प्रत्येक अवयव है वो इसमें भी है, तो ये सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय हो गया, यानी कि सेट ए सेट बी का सबसेट हो गया। इसमें यह भी हो सकता है कि दोनों में एक दो तीन और बी में भी एक दो तीन, तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी हैं, तो सेट ए सेट बी का सबसेट, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी हैं, यानी कि सेट बी सेट ए का सबसेट। तो ये इसके एग्जांपल हैं। मान लो किसी जो सेट है उसमें एलिमेंट एन एलिमेंट हैं, तो उसमें सबसेट कितने होंगे? हाउ मैनी सबसेट, तो उसमें 2n सबसेट होंगे, यानी कि एन अवयव वाले परिमित समुच्चय के उपसमुच्चय की कुल संख्या 2n होती है। ये हिंदी में है। मान लो कि ये है ए, एक दो तीन, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं? इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक दो तीन, सबसेट कितने हो सकते हैं? 2 एक दो तीन, तीन 2 8, इसके 8 सबसेट हो सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल था। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 9 ये 8 था। नाइन है उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इसमें क्या होता है, मान लो कि इसमें ऐसा ही है, सेट ए सेट बी है, सेट ए का जो एवरी एलिमेंट है वो सेट बी में भी होना चाहिए, लेकिन इसमें यह है कि सेट ए में जितने एलिमेंट हों वे सारे एलिमेंट सेट बी में भी हो और सेट बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। समुच्चय ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो वह सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो सेट ए
में न हो। तो इसका मतलब ये है कि सेट ए सेट बी, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जो सेट ए में ना हो। तो जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एक दो तीन बी, एक दो तीन चार, इसके एलिमेंट है, वो एग्जांपल है। और जो इसमें जैसे ये है सबसेट, अगर एन एलिमेंट हो तो कितने सबसेट होते हैं। तो इसी तरह है, यदि यदि किसी सेट में एन एलिमेंट हो तो उसमें प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं। सो थोड़ी प्रॉब्लम है, यदि किसी सेट में एन एलिमेंट हो तो उसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। तो प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2n-1, तो उसमें 2n-1 होंगे। यानी कि एग्जांपल इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो इसमें प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2n-3-1 यानी कि 8-1 इक्वल टू 7। सेवन इसमें के प्रॉपर सबसेट होंगे। तो अगला है अधि समुच्चय यानी कि सुपरसेट। सुपरसेट अधि समुच्चय तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये है हमारा जैसे सबसेट में था, यानी कि सेट ए है व सेट बी, तो सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें यह है कि तो हम इसे सेट बी को सेट ए का अधि समुच्चय कहेंगे। सेट ए को तो सेट बी का उपसमुच्चय कहेंगे और सेट ए को सेट बी को सेट ए का अधि समुच्चय। हम इसकी पूरी परिभाषा लिख के दिखा देते हैं। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय हो तो सेट ए को सेट बी का अधि समुच्चय कहते हैं। यदि सेट ए सेट बी यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो तो सेट ए को सेट बी का अधि समुच्चय कहते हैं। सो ये सब क्लियर है। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ए व सेट बी, सो
सॉरी एक सेकेंड, सॉरी सेट बी को सेट ए का अधिस समुच्चय कहते हैं। सो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। सो ये क्लियर है सबको? सो यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो तो सेट बी को सेट ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। सो अब हम आगे चलते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो 11 है ये इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल सेट समष्टीय समुच्चय। तो सॉरी पिछले ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, इसे अपना सही कर लें। सो हम आगे बढ़ रहे हैं। जो ये यूनिवर्सल सेट है, ऐसा समुच्चय जो दिए गए प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, यूनिवर्सल समुच्चय कहलाता है। इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इट इज ए सेट विच इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। एग्जांपल, इफ ए सुपरसेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट, इट इज डिनोटेड बाय। सो हम इसके कुछ एग्जांपल आपको बता देते हैं। हाँ, इसके एग्जांपल छूट गया था, तो हम इसका एग्जांपल भी आप सभी को बता देते हैं। इसका एग्जांपल है ये सेट ए, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 2 5 4। तो देखिए ये जो है बी का उपसमुच्चय है, बी का सबसेट है सेट ए, सेट बी का सबसेट है। सो यहाँ पे बी ए का उपसमुच्चय है, बी ए का अधिसमुच्चय है और ए बी का उपसमुच्चय है। सो क्लियर है? हाँ, तो हम अब आगे चल रहे हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। हम इसका एग्जांपल यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 7 और सी इज इक्वल टू 2 8 9। तो यूनिवर्सल सेट
क्या बनेगा हमारा, 1 2 3 4 7 8 9। हम किसी को किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखेंगे इसमें। सो क्लियर, तो हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा पावर सेट, यानी कि घात समुच्चय। इसमें क्या है, माना कि ए एक समुच्चय है, तब ए के सभी उप समुच्चय के समुच्चयों को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए के द्वारा डिनोट करते हैं। माना ए एक समुच्चय है, तो इसके जितने भी सबसेट होंगे उन सबको एक सेट में बदलते हैं और उसे हम पावर सेट कहते हैं। तब ए के प्रत्येक उपसमुच्चय के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। से पी ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो पी ए इज इक्वल टू, देखिए एक जो फाई होता है ना नल सेट, वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो एक इसमें आ गया फाई, ये भी इसका सबसेट है। एक क्या हो गया, एक, ये भी इसका सबसेट है। ये क्या हो गया, एक हो गया, दो, ये भी इसका सबसेट है। एक क्या हो गया, तीन, ये भी इसका सबसेट है। एक क्या हो गया, 1 और 2, ये भी इसका सबसेट है। और एक क्या हो गया, 2 3, ये भी इसका सबसेट है। क्या हो गया, 3 और 1, ये भी इसका सबसेट है। एक हो गया 1 2 3, ये खुद का भी तो सबसेट होता है ना, और इन सबको का सेट बना दो, तो ये हो गया पावर सेट। यानी कि n एलिमेंट हैं तो उसके कितने हो गए, जैसे 3 थे 8 हो गए, तो यानी कि 2 की पावर n पावर सेट होंगे उसमें। अब हम अगले लेक्चर में वेन डायग्राम करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगला लेक्चर ज़रूर देखें। सो थैंक्स टू ऑल, सो नेक्स्ट माय वीडियो, और मेरे चैनल को सत्यदेश अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। सो थैंक्स।